हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, रिसेंटली मी 3 डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 11 का न्यू अपडेट इंडिया में रोल आउट किया गया है। आज के इस वीडियो में हम इस अपडेट के बाद इस डिवाइस के टॉप न्यू फीचर्स एंड हिडन सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन चैट बबल का फीचर आपको मिल जाता है। जैसे कोई भी दूसरी एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हैं तो साइड बाय साइड एक और एप्लीकेशन को आप छोटी स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं, जो कि यार काफी बढ़िया कमाल का फीचर है। एंड्रॉइड 11 के जो मेन फीचर्स है, कैट कंट्रोल, फोन सेटिंग्स, नया लेआउट आपको मिल जाता है, नोटिफिकेशन पैनल में चेंजेस, सेटिंग्स के अंदर एडिशनल सेटिंग्स में, और साथ में हम चेक करेंगे वाईफाई कॉलिंग, स्क्रीन रिकॉर्डर कॉल एंड साउंड रिकॉर्डिंग के फीचर के बारे में। इन ऑप्शन को अभी भी इस अपडेट के बाद डिवाइस में ऐड किया गया या फिर नहीं, तो इस अपडेट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके साइड में बेल आइकन का ऑप्शन है, इस पर टैप करके ऑल बटन पे आपको सिलेक्ट करना है, ताकि मी 3 डिवाइस में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों, मी 3 डिवाइस का इस अपडेट के बाद जो बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो है वो जल्दी आ जाएगी, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दोस्तों, अगर बात करी जाए फीचर्स के बारे में तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में। अबाउट फोन में एंड्रॉइड वर्जन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे अगर आप इस पे लगातार टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 11 की जो एनिमेशन है वो आपको मिल जाती है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा कूल एनिमेशन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है 5 दिसंबर 2020 का, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। बिल्ड नंबर भी आपको लेटेस्ट मिलता है 12.0.3.0 का। दोस्तों, अगर बात करी जाए फीचर्स के बारे में तो होम स्क्रीन के सबसे पहले फीचर्स आप देख सकते हैं। साइड का पावर ऑन ऑफ बटन अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो इसका जो लेआउट है वो आप देख सकते हैं पूरा चेंज कर दिया गया है। फुल स्क्रीन पर ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहले साइड में छोटा सा ऑप्शन आपको मिलता था, अभी आप देख सकते हैं ऊपर बॉक्सेस में डिजाइन आपको मिलता है। एमरजेंसी SOS का ऑप्शन है, पावर ऑफ का ऑप्शन है, रिस्टार्ट का ऑप्शन है, एंड नीचे आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको शॉर्टकट ऐड करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एंड ऐड कंट्रोल पे क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कैट कंट्रोल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो एंड्रॉइड 11 का फीचर है कैट कंट्रोल, उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फोन सेटिंग्स में आप देख सकते हैं यहीं से जो फ्लैश लाइट है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्राइटनेस है उसको भी इंक्रीज आप कर सकते हैं, अलार्म वगैरह काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों कैट कंट्रोल का ही ऑप्शन आपको डिवाइस में मिलेगा, लेकिन अगर आप फोन सेटिंग्स को एनेबल करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड 11 वाले डिवाइसेज में ये फीचर काम करता है। उसके अलावा दोस्तों, जो स्टॉक एंड्रॉइड डिवाइसेज है उसके लिए एक एप्लीकेशन है पावर कंट्रोल, आपको सर्च करना है पावर मेन्यू कंट्रोल की, ये एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। जैसे अगर आप इसे ओपन करेंगे सारी ऑप्शंस आपको अनेबल कर देनी है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर इसको प्रेस करके रखेंगे बटन को तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 3 डॉट पे आप टैप करके इसको यहाँ पर आपको सिंपली ऐड कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, बात कर लेते हैं सेटिंग्स में नोटिफिकेशन चैट बबल के फीचर के बारे में, जो कि एंड्रॉइड 11 का मेन हाइलाइटिंग फीचर है। तो सेटिंग्स में एप्स एंड नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, बबल्स का ऑप्शन मिलता है, सिंपली इसको आपको अनेबल कर देना है। तो इसको अनेबल करने के बाद अगर अभी किसी का भी मैसेज आता है तो ऊपर आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको मिलता है रिप्लाई करने का, मार्क एस रीड करने का, एंड इसी के राइट साइड में आपको ये आइकन मिल जाता है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हाफ स्क्रीन पर ये एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी, एंड यहीं से अभी आप डायरेक्टली जो भी मैसेज का रिप्लाई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो फिर से ये जो आइकन है ये आपका आ जाएगा, एंड इसे आप स्क्रीन पर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ करते टाइम, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं गेमिंग करते टाइम भी, इसके ऊपर ही इस एप्लीकेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जैसे व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, उन सभी का सपोर्ट आपको मिल जाता है। साथ में आप व्हाट्सएप, मैसेंजर, इनको भी आप यहाँ पर राइट साइड में ऐड कर सकते हैं ऐड पर क्लिक करके। और इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप परेशान हो चुके हैं किसी एप्लीकेशन से, बार बार उसका नोटिफिकेशन आता है, तो सिंपली उसको यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है। इसके अलावा दोस्तों, ऊपर ही आपको नोटिफिकेशंस में काफ़ी सारे नई इंप्रूवमेंट्स एंड ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगी, यहीं से आप ऊपर डायरेक्टली उन पर रिप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो स्क्रीन टाइम है एंड जो बाकी ऑप्शन है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कनेक्टेड डिवाइसेज में एक बार हम चेक कर लेते हैं। कनेक्टेड प्रेफरेंस के अंदर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो, ये नीचे नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपके पास कार है तो उसके अंदर जो सिस्टम आपको मिलता है टच स्क्रीन, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को एंड्रॉइड ऑटो के ऑप्शन के हेल्प से। कनेक्टेड कार के ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं सेटिंग्स में नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऑप्शन के अंदर, मोबाइल नेटवर्क में चेक कर लेते हैं एडवांस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वाईफाई कॉलिंग का फीचर है,
फाइनली ऐड कर दिया गया कॉल और वाईफाई कॉलिंग का फीचर आपको मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि एंड्रॉइड 11 के साथ डेफिनेटली Mi A3 में वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा, कैरियर वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपके डिवाइस में ये ऑप्शन परफेक्टली काम नहीं करता है तो अभी ये फर्स्ट अपडेट था, नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लीजिए, अभी डिवाइस में थोड़े बहुत बग्स हो सकते हैं तो नेक्स्ट अपडेट में जरूर से परफेक्टली काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो आप देख सकते हैं जो लास्ट चार्ज की डिटेल्स हैं एंड फुल चार्ज के बाद कितना आपने यूज़ किया है उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। फेस अनलॉक में आप देख सकते हैं परफेक्टली बिल्कुल काम करता है, स्टे ऑन का वहाँ पर लॉक स्क्रीन पे फीचर आपको मिल जाता है एंड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन है ये भी परफेक्टली काम करता है। स्पीड में ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं है, वही पहले जैसी स्पीड आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों फेस अनलॉक की स्पीड भी आपको अच्छी मिल जाती है एंड जो एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर आप देख सकते हैं, डेट टाइम एंड जो अलार्म अगर आपने सेट किया है, अब की बार दोस्तों जो अलार्म की डिटेल्स है जैसे सुबह के 4:15 पे एक अलार्म सेट है तो उसकी डिटेल भी यहां पर आपको मिलती है एंड सिंगल टैप करने के बाद जो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का आइकन है वो भी आपको शो करेगा लॉक स्क्रीन पर एंड जो बैटरी परसेंटेज है वो भी आपको लॉक स्क्रीन पर शो करेगी। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एक्सेसिबिलिटी के अंदर क्या कुछ ऑप्शंस को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोन साइज है, डिस्प्ले है, डार्क थीम है, ये सब ऑप्शन पहले आपको मिल जाते हैं लेकिन एडवांस में आप देख सकते हैं लास्ट में शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन ये ऑप्शन ऐड किया गया है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेटिंग्स में कुछ ऑप्शंस को रिमूव भी कर दिया गया है, जैसे कि पहले जो आपके आइकन साइज थे उन्हें आप चेंज कर सकते थे, जैसे टियर ड्रॉप में, स्क्वायर में, राउंडेड कॉर्नर्स में एंड्रॉइड 10 का फीचर था लेकिन अभी उसको रिमूव कर दिया गया है। साइड में उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं जो कि यार काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटेड वाली बात है, देखते हैं नया ऑप्शन कब तक ऐड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर जो अडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन है ये पहले भी आपको मिलता था लेकिन अभी इसका जो लेआउट है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जो ब्राइटनेस लेवल है उसको ये एडजस्ट करेगा, जैसे रात के टाइम ब्राइटनेस को कम कर देगा, दिन में ज़्यादा कर देगा आउटडोर में एंड शेड्यूल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि डार्क मोड इतने टाइम से इतने टाइम तक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए तो ये आप सेट यहाँ पर टाइमिंग कर सकते हैं और रात के टाइम जरूर से आप डार्क मोड को यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके आइस पर इफेक्ट कम पड़ेगा अगर आप स्मार्टफोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाइट लाइट के फीचर को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डिवाइस में। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं वॉलपेपर्स को, तो यहाँ पर अगर आप टैप करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं एक ही सिंगल वॉलपेपर आपको मिल जाता है जो कि डिसअपॉइंटेड वाली बात है। एंड्रॉइड 11 के साथ भी आपको कोई नया वॉलपेपर ऐड देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको कोई भी नया विजिट क्लॉक ऐड करना है तो सिंपली इसमें आकर इस पर क्लिक कर देना, जो भी विजिट आप ऐड करना चाहते हैं एंड वही आपका होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा, जैसे कि ये मैंने ऐड कर लिया। गूगल सर्च बार भी आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये 3D लाइव इलेक्ट्रिक वॉलपेपर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। डिफरेंट कलर ऑप्शंस आपको इस वॉलपेपर में मिल जाते हैं तो जो भी आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको अप्लाई पे क्लिक नहीं करना है। काफ़ी सारे यूजर यही मिस्टेक करते हैं एंड बाद में कमेंट करते हैं कि वॉलपेपर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले सिंपली वॉलपेपर पे आपको टैप करना है। इसके बाद सेट वॉलपेपर का ऑप्शन आपको मिलता है एंड इसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों के लिए आप इस वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं, जैसे पहले ऑरेंज का इलेक्ट्रिक वॉलपेपर सेट था एंड अभी जो स्काई ब्लू कलर का इलेक्ट्रिक वॉलपेपर सेट हो चुका है, तो ऐसे दोस्तों आपको इन्हें सेट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीनशॉट की सेटिंग्स के बारे में, तो जो पावर बटन है, वॉल्यूम डाउन बटन है, 2 सेकंड के लिए आपको प्रेस करके रखना है और अभी आप देख सकते हैं जो एनिमेशन है स्क्रीनशॉट लेने की एंड जो साउंड है वो आपको मिल जाता है, यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन आपको मिलती है। शेयर का ऑप्शन आपको मिलता है, क्रॉस का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड का कलर है उसको आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, इसको रोटेट आप कर सकते हैं, तो अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो ऐड भी आप कर सकते हैं, जो कलर आप चाहते हैं, आपको स्मॉल ऐड करना है, ज़्यादा बड़ा ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हैं एंड क्रॉप भी आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया एडिटिंग के फीचर यहाँ पर इस अपडेट के बाद डिवाइस में ऐड किए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, तो यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है, एडिट का ऑप्शन आपको मिलता है, जो भी आपको टॉगल ऐड करना है सिंपली क्लिक करना है एंड ऊपर की तरफ अगर आप ड्रैग करेंगे तो वो टॉगल सिंपली आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन है अभी भी एंड्रॉइड 11 के साथ ऐड नहीं किया गया है लेकिन आप देख सकते हैं मैंने अपने डिवाइस में इस ऑप्शन को ऐड कर लिया है, तो स्टॉक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जो ऑफिशियल स्क्रीन रिकॉर्डर है प्ले स्टोर पर सिंपली आपको स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च करना है एंड ये ब्लू कलर का आपको आइकन मिल जाएगा, इसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। लेटेस्ट नई एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है स्पेशली जो स्टॉक एंड्रॉइड यूजर्स है, काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटिंग्स में, लास्ट में सिस्टम का ऑप्शन आपको मिलता है। गेस्चर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सिस्टम नेविगेशन को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। अभी आप देख सकते हैं नेविगेशन बटन्स आपको मिलते हैं। गेस्चर नेविगेशन पे अगर आप टैप करेंगे, इसके सेटिंग्स भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। स्लाइड अप करने पर होम स्क्रीन पर आप आ जाओगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड राइट या लेफ्ट राइट करेंगे, अगर आप स्लाइड करेंगे तो बैक आप यहाँ पर आ जाओगे। टू बटन नेविगेशन आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी आपको मिलेगी एंड थ्री बटन में तीनों बटन आपको मिल जाएंगे। तो गेस्चर्स को अपने डिवाइस में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, डेवलपर्स ऑप्शन अनेबल करने के लिए अबाउट फोन में जाने के बाद जो बिल्ड नंबर आपको मिलता है उस पर आपको 6 to 7 टाइम्स आपको बार बार टैप करना है। इसके बाद सेटिंग्स में अगर आप आएंगे सिस्टम में एडवांस में, डेवलपर्स का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा बिल्ड नंबर पर बार बार टैप करने के बाद। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं डेवलपर्स में यहाँ पर कुछ नए ऑप्शन को ऐड किया गया है, जैसे वायरलेस डी बगिंग का ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ में लास्ट में कुछ ऑप्शंस थे आपके जो आइकन साइज उनको चेंज करने के, उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। साइड में स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, इन दो तीन नए ऑप्शंस को यहाँ से रिमूव किया गया है। एक ये भी नया ऑप्शन ऐड हुआ है, तो इसे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऊपर सर्च करेंगे रिफ्रेश रेट, तो यहाँ पर मैं एक बार ही सर्च कर लेता हूँ। तो सेटिंग्स में डेवलपर्स के ऑप्शन में ही इसको भी ऐड किया गया है, शो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है। इसको अनेबल करने के बाद दोस्तों जो भी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट पैनल है, एंड्रॉइड 11 में सभी डिवाइसेस में ये ऑप्शन ऐड किया गया है। जैसे मी A3 में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले पैनल आपको मिलता है। मान लो किसी डिवाइस में 120 हर्ट्ज है तो यहाँ पर आपको ये शो करेगा एंड आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पर हमेशा आपको शो करेगा, लॉक स्क्रीन पर भी शो करेगा। तो ऐसे दोस्तों रिफ्रेश रेट का ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों डेवलपर्स के अंदर जो एंड्रॉइड 11 के ऑप्शंस हैं उनको भी थोड़े बहुत ऐड किया गया है, जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं हैं। जो मेन ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और इस अपडेट के बाद जो डिवाइस का एंटी टू बेंचमार्क स्कोर है वो आप देख सकते हैं 173,000 के ऊपर आपको मिलता है। स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं मी A3 डिवाइस में एंड्रॉइड 11 के अपडेट के बाद। अगर आपको ये 3D इलेक्ट्रिक लाइव वॉलपेपर चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं, उनकी जो डिटेल्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेलेक्ट कीजिए। इसकी जो बाकी वीडियोज हैं, इसका फुल रिव्यू है, बैटरी टेस्ट है, वो वीडियो भी जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो उसके लिए आप वेट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।